Why these cow lay down on earth? दोस्तों ये नजारा थाईलैंड के गांव का है, जहां पर एक गौशाला में कई सारे गाय अपना खाना खाने में लगी हुई थी। तभी अचानक से बिजली का एक तेज धमाका होता है और सभी गाय हड़बड़ा जाती है। मौके पर किसान दौड़ता हुआ आता है और सभी गायों के गर्दन से बंधी हुई रस्सी को खोल देता है, लेकिन बदकिस्मती से मात्र कुछ सेकंड्स के बाद ही ये सभी गाय मरी हुई मिलती है। और ये बेचारी बचती भी कैसे? आखिर इनके ऊपर आसमान से इतनी भयानक बिजली जो गिरी थी। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो मात्र 220 से लेकर 240 वोल्ट की होती है, और इतनी कम बिजली में भी अगर गलती से किसी का हाथ छू जाए तो उसे नानी याद आ जाती है, और कई बार तो लोग मौत की नींद भी सो जाते हैं। ऐसे में जब आसमान से 3 करोड़ वोल्ट की बिजली किसी पर गिरेगी तो उसका क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। अगर फिर भी आपको बिजली का झटका लगना कोई मामूली बात लगती है तो जनाब वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो का हर एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि आप इसी तरह की रोमांचक वीडियोस लगातार देखते रहें। सबसे पहले आप दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां आसमान से गिरती बिजली डायरेक्ट आकर ट्रक के ऊपर गिरती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि बिजली गिरने से कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही लोग इस ट्रक के नजदीक जाते हैं, एक ही सेकंड में वक्त, हालात और जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं। क्योंकि जिस ट्रक के ऊपर बिजली गिरी थी उसके आसपास बहुत सारे मवेशी जानवर मौजूद थे, और इस खतरनाक बिजली गिरने के कांड की वजह से सबकी मौत हो गई थी। एक भी जानवर ऐसा नहीं था जो इस खतरनाक बिजली के कहर से बच पाता, और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में हुआ था। यानी कि जितनी देर में हम अपने मोबाइल फोन को हाथों में खोलकर YouTube ऑन करते हैं, उतनी देर में तो इन बेचारे जानवरों का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम हो गया। क्योंकि दोस्तों जब आसमान से बिजली धरती पर गिरती है तो उसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब इस रफ्तार से कोई भी चीज जमीन पर गिरेगी तो वो मौत के सिवा भला क्या लाएगी। ऊपर से जो आसमान से बिजली गिरती है उसके अंदर सूर्य की गर्मी से भी ज्यादा हीट मौजूद होती है। हालांकि ये पूरी घटना माइक्रो सेकंड्स के भीतर होती है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता, वरना अगर बिजली गिरने का ये सिलसिला लगातार चलता रहे तो शायद उस दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों अब जरा आप स्विट्जरलैंड में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर बिजली गिरने पर जो घटना हुई वो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी गाय खेत में घास खाने में लगी हुई है, तभी आसमान से जोरदार बिजली गिरती है और खेतों में भूकंप जैसा माहौल बन जाता है। बिजली गिरने की वजह से सभी गाय घबरा जाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है, लेकिन अफसोस उनमें से एक गाय जिसके ऊपर डायरेक्ट बिजली गिरती है वो उसी टाइम झुलस कर मर जाती है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं आसमान से धरती पर हर सेकंड 100 से ज्यादा बार खतरनाक बिजली गिरती है, लेकिन जगह अलग अलग होने की वजह से हमें पता नहीं चलता। दोस्तों अब इस हैरत अंगेज वीडियो को देखिए। खबरों के मुताबिक ये वीडियो अमेरिका की है, जिसमें हम सभी देख सकते हैं कि खेत में लगभग 24 गाय मरी हुई पड़ी है, वो भी एक ही पोजीशन में, जिन्हें देखकर तो इंसान सोच में पड़ जाए कि आखिर इतनी सारी गाय एक ही तरह से एक ही वक्त पर कैसे मरी। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि खेतों के किनारे लगे तार में मौजूद करंट के संपर्क में आने की वजह से इन सभी गायों की मौत हो गई, जबकि एक्सपर्ट्स का तो इसके बारे में कुछ और ही कहना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक साथ एक ही जगह पर केवल तार के करंट लगने की वजह से इतनी गायों की मौत कभी नहीं हो सकती, हो ना हो इनके मौत के पीछे का कारण आसमान से गिरने वाली बिजली है। अब दोस्तों वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बेचारी उन 24 गायों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है और लोग अपने खेतों के किनारे इलेक्ट्रिक फैंस लगवाते हैं,
ताकि कोई भी जानवर उनके खेतों के अंदर आकर उन्हें बर्बाद न कर सके। पर दोस्तों अफसोस, हम इंसानों के इस रवैये के कारण हर साल न जाने कितने जानवर मौत की नींद सो जाते हैं, और कितने तो ऐसे भी हैं जो बेचारे बिजली के झटके की वजह से काफी डर जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये भेड़े मरी पड़ी हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्विट्जरलैंड की है, जहाँ पर एक पहाड़ी इलाके में किसान जब अपनी भेड़ों को घास खाने के लिए छोड़ देता है, तभी उसी वक्त आसमान से जोरदार बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी भेड़ों की उसी वक्त मौत हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में किस तरह ये सभी भेड़े मरी पड़ी हैं, जिनमें से एक भी जिंदा नहीं बची। दोस्तों ये तो आप देख ही चुके हैं कि प्रकृति के कहर की वजह से किस तरह जानवर मारे जा रहे हैं, लेकिन जानवरों को मारने में हम इंसान भी कुछ कम नहीं हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की वजह से भी जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यकीन नहीं आता तो नजारा आपके सामने है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे ये छोटी सी चिड़िया बिजली के खंभे पर बैठी हुई थी। शायद ये बेचारी बिजली के खंभे पर बैठकर कुछ खा रही थी, लेकिन उस बेचारे को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल होने वाला है, क्योंकि जैसे ये चिड़िया बिजली के तारों पर अपनी चोंच मारती है, उसके तुरंत बाद बिजली का झटका लगने की वजह से चिड़िया गायब हो जाती है। दोस्तों जब जंगल से भागकर शहर की तरफ आया हुआ एक भालू तेजी से बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ जाता है, तो शुरू में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही भालू का सामना बिजली के झटके से होता है, उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ नहीं पाता कि कैसे नीचे जाए। तभी एक जोरदार झटका भालू को दोबारा से लगता है, और वो इतना खतरनाक था कि बेचारा भालू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, और उसी वक्त भालू की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब दोस्तों बंदरों का हाल तो आप भी जानते हैं कि कितने शैतान किस्म के होते हैं, जो कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। ऐसे में जब कुछ बंदर बिजली के तार को पकड़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसे जोरदार झटका लगता है, और उसके साथ क्या होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों दिल को धक्का देने वाली बात तो ये है कि इस तरह के मामलों में अधिकतर जानवरों की मौत हो जाती है। अब जैसे कि आप इस चिंपैंजी को देख लीजिए, जो बिजली के खंभे के ऊपर चढ़कर बड़े मजे से बैठा हुआ है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई पर बैठकर ये काफी इंजॉय भी कर रहा है। लेकिन अब इस बेचारे को क्या पता कि ये बिजली के खंभे पर नहीं बल्कि अपनी कब्र के ऊपर बैठा हुआ है। तभी तो जब चिंपैंजी खतरनाक करंट से अनजान होकर बिजली के तारों के ऊपर चलना शुरू करता है, तभी उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो गिर जाता है। हालांकि फिर भी चिंपैंजी हिम्मत करके तार को पकड़कर लटक जाता है। तब तक वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, पर दोस्तों अफसोस, रेस्क्यू टीम चिंपैंजी को बचा पाती उससे पहले ये चिंपैंजी नीचे गिरकर मौत को प्यारा हो चुका था। अब इंसानों की लापरवाही का एक और नजारा देखिए, जहां एक घोड़ा मौजूद है और उसके चारों तरफ बिजली की तारें लगी हुई है, और उसके मालिक ने उन तारों में करंट फ्लो करवाया है ताकि घोड़ा भागकर कहीं जा न सके। और इस बात से अनजानी घोड़ा जैसे ही तार पर अपना मुंह लगाता है, वैसे ही बेचारे को बहुत ही तेज करंट लगता है और दर्द से छटपटाने लगता है। हालांकि तार के अंदर दौड़ने वाला करंट इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए इस घोड़े की जान बच जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बंदर अपना पिछवाड़ा दिखाकर हम इंसानों को चिढ़ाते हैं, और जैसे ये छोटा सा बंदर सामने मौजूद इंसान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी इसका पिछवाड़ा इन तारों को छू जाता है जिसमें बिजली दौड़ रही थी, जिसके बाद ये ऐसे उछलने लगता है, आप खुद देख सकते हैं। अब आप इस बेचारे बंदर को देखिए, इसे क्या पता था कि जिस चीज को पकड़कर ये झूला झूल रहा है वो उसकी मौत का सामान है, क्योंकि जैसे ही बिजली के तार से बंदर को जोरदार झटका लगता है, वैसे ही बंदर की जान चली जाती है और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जब एक पक्षी बिजली के खंभे पर चढ़कर बैठ जाती है तो वो बड़े मजे में होती है, लेकिन जैसे इस पक्षी की चोंच बिजली की नंगी तार पर छूती है, तो इस बेचारे पक्षी को जोरदार झटका लगता है और उसी वक्त ये जमीन पर गिर जाती है। अब हमें नहीं लगता कि इतने खतरनाक बिजली के झटके के बाद ये पक्षी जिंदा भी बचा होगा। यहाँ पर आप सुअरों को देख सकते हैं, जिनमें से इस बात से वो पूरी तरह अनजान है कि वो जिस तार को चबा रहा है उसके अंदर करंट दौड़ रहा है। तभी तो जैसे ही सुअर के मुंह में करंट लगता है, वो तेजी से दौड़ने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।